हाय गाइस, मैं नाजिया और आप है अपने गार्डनिंग के चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ पे। सो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इस चैनल को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए थे जो कि हैंगिंग में देखिए बिल्कुल खराब हो रहे हैं, और हैंगिंग भी बिल्कुल ही देखिए धूप की वजह से इनका सारा कलर चला गया है। तो आज मैं इन्हें एक नया लुक देने वाली हूँ, इन्हें चेंज करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें। चुलाका और पर्सलेन देखिए सारी सूख गई है और खराब होने लगी है क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। बट हम इन्हें फेंकेंगे नहीं और इन्हें सेव करके एक ऐसी जगह पर रख देंगे जिससे सीजन के समर सीजन आने पर ये खुद ब खुद हरी हो जाएगी और चलने लगेगी। तो इन्हें हम सब पहले खाली करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसे हम पूरा ही निकाल लेंगे क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो थोड़ा एक सीजन के बाद खराब सी हो जाती है। तो इसे हम पूरा ऐसे ही निकाल कर देखिए इस तरीके से हम पूरा निकाल लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और इस तरह से हम एक टब ले लेंगे और उसमें ही ऐसे किसी तरीके से इन्हें हम रखते जाएंगे बिना कुछ किए। अब इस हैंगिंग प्लांटर को हम पूरी तरीके से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसे पूरा साफ कर लेंगे। हैंगिंग धुल दिए हैं और साफ हो गए हैं, बट थोड़ा सा जो कलर है वो उतर गया है, जैसे कि ऑरेंज है और थोड़ा लाइट हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि एक नया लुक दूं इन्हें, कुछ नया चेंज लाओ अपने हैंगिंग प्लांटर्स में। और ये तो बिल्कुल ही पिंक था, बिल्कुल उतर गया है। चलिए देखते हैं कि इन्हें हम कौन सा नया लुक दे सकते हैं। हैंगिंग सारे कलर्स हो गए हैं, ये देखिए सारे हैंगिंग को बिल्कुल बदल दिया है, कितने पुराने थे और ये आप कितने अच्छे लग रहे हैं कलर होकर। थोड़े टूटे हुए हैं वो बाद में सही कर लिए जाएंगे, लेकिन हमारे हैंगिंग सारे देखिए कलर्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट अपने हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने वाली हूँ। तो वीडियो में प्लीज बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आगे मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ कि हमें किस तरह से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को किस तरह की सॉइल में, हैंगिंग प्लांटर्स में किस पौधे को किस हैंगिंग प्लांटर में लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दो तरह के हैंगिंग प्लांटर हैं, कुछ गोल हैं और कुछ फैले हुए हैं। तो उसी तरीके नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस पौधे को किस तरह के हैंगिंग प्लांटर में लगाना चाहिए जिससे वो अच्छे से सर्वाइव करे और अच्छी फ्लावरिंग करे। तो वीडियो में दोस्तों बने रहें और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर लें। दोस्तों सबसे पहले स्टेप में आप यही देखिए कि मैंने जो सॉइल तैयार करी है, देखिए ये जो सॉइल है मैंने हैंगिंग प्लांटर्स के लिए खासकर तैयार करी है क्योंकि ये देखिए कितनी पोरस है और कितनी भुरभुरी है। इस तरह की जो सॉइल होती है वो हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत अच्छी रहती है क्योंकि जो हैंगिंग प्लांटर्स में हम विंटर फ्लावर्स लगाते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और उन्हें फैलने के लिए बहुत ही मुलायम मिट्टी की ज़रूरत होती है, पोरस मिट्टी की, कि जो जड़ें होती हैं वो आसानी से हैंगिंग प्लांटर में चारों तरफ फैल जाएं और अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करें। तो इस तरह से ये जो सॉइल है मैंने तैयार करी है। ये सॉइल मैंने तैयार कैसे करी मैं बताती हूँ कि दोस्तों देखिए इस तरह से जितना भी वेस्ट होता है, मैं देखिए नीचे सॉइल है और मैंने ये वेस्ट डाल रखा है, इसके नीचे भी सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके मैंने दबा रखे हैं। तो जितना भी हमारा ये ऊपर रहता है उसे हम मिट्टी से ढकते जाते हैं और नीचे की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल हमारी तैयार हुई होती है, वो हम निकालते जाते हैं और उस सॉइल को हम थोड़े दिन धूप में सुखा लेते हैं जिससे कि वो बहुत अच्छी से भुरभुरी हो जाए और उसके बाद उसे छान कर एक बोरी में भर के अलग रख देते हैं। इस तरह से बेहतरीन कंपोस्ट पौधों के लिए तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छी। कुछ गोबर की खाद भी इस मिट्टी में मैं मिलाती रहती हूँ जिससे कि बाद में मुझे मिलानी ना पड़े। थोड़ी बालू भी इसी में डालती रहती हूँ कि पूरी एक कंप्लीट सॉइल मुझे तैयार मिले। तो दोस्तों देखिए मैं बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लाई हूँ जिसमें देखिए डेंथस तो मेरा फेवरेट है। देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग, अभी तो ये पैकेट में ही है और इसने फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी है। और ये डेंथस का है तो इसे हम कैसे प्लांटर में लगाएं, देखिए ये जो हमारा डेंथस का प्लांट है इसे हम गोल हैंगिंग प्लांटर्स में लगा देंगे तो ये आसानी से चारों तरफ फैल जाएगा और फ्लावरिंग अच्छी करेगा क्योंकि थोड़े से जो फ्लावर होते हैं वो झुक भी जाते हैं। तो झुके हुए हैंगिंग प्लांटर्स में फ्लावर बहुत अच्छे लगेंगे और वैसे आप इन्हें पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। कई कलर्स की लाई हूँ, ये देखिए एक मेहरून है और एक वाइट है, उसके बाद ये डॉग फ्लावर है। तो देखिए ये डॉग फ्लावर है, ये देखिए इस तरीके के फैले हुए हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे। दूसरा हमारे पास जाफरी के गेंदे हैं, ये देखिए दो कलर्स हैं, डार्क और लाइट, तो इन्हें भी हम इस तरह के गोल हैंगिंग प्लांटर में ही लगाएंगे। बाकी एक देखिए दो पिटूनिया है हमारे पास और इन्हें हम जो हमारा फैला हुआ हैंगिंग प्लांटर होता है उसमें ये ज्यादा से बेटर रहते हैं।
उसके बाद हमारे पास छोटी गुलदावदी है, इसे भी हम हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। हमारे पास ये देखिए सदाबहार है, इसे भी हम लगा सकते हैं, सीजनल सदाबहार है, इसे लगा सकते हैं हैंगिंग प्लांटर में। और कई तरीके के इसी तरीके से पौधे हैं जो हम हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं और ये हैंगिंग प्लांटर में बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस में मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इन्हें लगाना है। दोस्तों सबसे पहले हम डेंथस का ये पौधा लगाएंगे, देखिए कलर कितना प्यारा है इसका। तो इसके लिए मैंने चूज करा है ये स्लेटी कलर का हैंगिंग प्लांटर। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि किस कलर में किस तरह का फ्लावरिंग प्लांट आप लगा रहे हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने कलर कैसा चूज किया है, किस रंग के हैंगिंग प्लांटर में आप किस कलर का फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका गार्डन बेहद ही देखने में खूबसूरत लगेगा। तो इस पौधे को मैंने लिया है इस स्लेटी कलर के प्लांटर में लगाने के लिए। देखिए एक छोटा सा होल है, इस पर हम एक छोटी सी गिट्टी रख देंगे, इस तरह से एक गिट्टी रख देंगे। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा सूती कपड़ा ले लेंगे जिसे हम इस हैंगिंग प्लांटर में बिछा देंगे, जिससे कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो पॉट से बाहर ना जाए, केवल पानी ही ड्रेन हो और सॉयल बाहर ना निकले, और हमारी जो सॉयल है वो भी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, जिससे कि क्योंकि विंटर में वैसे भी पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, तो 4 से 5 दिन तक हमें पानी ना डालना पड़े। और इसका बेनिफिट भी रहता है कि हमारी सॉयल जो होती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहती है। इस तरह से इसे हम बिछा देंगे। सॉइल हमारी पूरी तरीके से तैयार है, इसमें सब चीज़ें मिली हुई हैं। इसमें राइस हस्क भी मिला हुआ है जो कि भूसी होती है चावल की, वो भी मैंने मिलाई हुई, देखिए छोटी छोटी है, आपको दिख रही होगी इसमें पड़ी हुई। उसके बाद ये एक हैंगिंग प्लांटर की सॉइल मैंने तैयार करी, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट जिससे कि फ्लावरिंग और ज़्यादा हो और बेहतर हो, इसलिए एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ये हमारी जो सॉइल है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और हैंगिंग प्लांटर में इसे हम फिल कर देंगे। पौधे को हम पैकेट से निकाल लेंगे और इसकी जो नीचे की सॉइल है, देखिए हमने इसको पानी में रखा हुआ था तो थोड़ी सी मुलायम हो गई, बस नीचे की सॉइल हमें इस तरह से बहुत धीरे से नीचे की हम जितनी भी सॉइल है इसकी हटा देंगे, ये देखिए इस तरह से ये नीचे की सॉइल हम हटा देंगे बहुत धीरे से, और ये देखिए बहुत ही आराम से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और हैंगिंग प्लांटर में रख देंगे। इस तरह से हैंगिंग प्लांटर में इसे हम रख देंगे। बहुत ही आप जब सख्त मिट्टी हो तो उसे पैकेट से ना निकाले, थोड़ी देर पानी में जरूर रख दे पौधे को, जिससे कि जो उसकी रूट्स हैं वो डैमेज ना हो, टूटे नहीं, और नीचे की मिट्टी अगर आप हटा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फुल गारंटी है पौधा एकदम अच्छा रहेगा आपका। और देखिए आराम से लग गया है, कुछ भी नहीं करना है हमें, थोड़ा सा जो सॉइल है वो हम साइड साइड से और डाल देंगे इसे, हैंगिंग प्लांटर में डेंथस फॉर्म लगा सकते हैं और इसके लिए 4 इंच का पॉट भी सही रहता है, 4 इंच के पॉट में भी हम इसे लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग प्लांटर्स में ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। थोड़ी सी जगह हम हैंगिंग प्लांटर में छोड़ देंगे वाटरिंग करने के लिए, और बाद में हम कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़े करीब 1 महीने के बाद तो हम थोड़ी सी खाद इसमें वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद इसमें हम डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ के ही रखेंगे वाटरिंग वगैरह के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरा ये मेकओवर और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आज दी है प्लांट्स के ऊपर, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।